देख रहे हैं जी न्यूज़ इंडिया। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार विस्तार से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ थीम पर नन्ही जान खुला आसमान, टेली फिल्म का हो रहा निर्माण। रहमानिया प्रोडक्शन द्वारा इस फिल्म का किया जा रहा है प्रोडक्शन। पाली में रहमानिया प्रोडक्शन बैनर तले नन्ही जान खुला आसमान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक शॉर्ट फिल्म जिसको न्यू राज फोटोग्राफी और एम स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें ओम देवड़ा द्वारा VFX और CG शॉट भी उपयोग में लेंगे। फिल्म में सफल बनने एवं पूर्ण रूप से भूमिका निभाने वाले कलीम अख्तर ने बताया कि आज का शॉट मानपुरा भाकरी के पास फिल्माया गया है, जिसमें गांव के ग्रामीणों की बतौर कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं ताकि अपनी कला आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इस फिल्म में कई कलाकार ने अपनी प्रस्तुति दी है, जिसमें कलीम अख्तर, खुशबू चौहान, गजेंद्र बोरवाल, पिंटू सरदार, चैन सिंह, राज पुरोहित, परवीन खेरवा, कल्पेश त्रिवेदी, मंगल सिंह, ओम देवड़ा, जानी भाई सहित कई कई कलाकारों का अभिनय हुआ। मेकअप मैन जानी भाई फिल्म की शूट पाली और रावलवास में हुई और आगामी शूटिंग रावलमास में होगी। इस मूवी के DOP धर्मेंद्र कुमार, कैमरामैन इलू भाई और सिनेमेटोग्राफी गजेंद्र बोरवाल के द्वारा की गई। मैं गजेंद्र बोरवाल आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है जो कि रहमानिया प्रोडक्शन के बैनर तले बनने जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस फिल्म का फिल्मांकन एम स्टूडियो और न्यू राज फोटोग्राफी द्वारा किया गया है। साथ ही ओम देवड़ा द्वारा इसके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू CG शॉट भी दिए गए और इसमें पाली के स्थानीय कलाकार कई सारे कलाकारों का भी कला की प्रस्तुति की गई है। पाली किसान खुशबू चौहान भी इस फिल्म में बतौर एक्ट्रेस के तौर पे हमने ली है। साथ ही कई सारे बाल कलाकारों को भी हमने मौका दिया है। जल्द ही हम इस फिल्म को लेकर आपके पाली शहर में पधारेंगे। धन्यवाद। चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में। बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है मारवाड़ जंक्शन का महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय, पूर्ण जीर्ण शीर्ण, इन अवस्था में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पाली जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर अभी हाल ही में हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में कमोन्नत्र हुआ। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खारची एक बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा है। अति प्राचीन बिल्डिंग यह विद्यालय भवन पूर्णतया जर्जर और जीर्ण शीर्ण हालात में है और 16 कमरों में से 13 कमरे अति जीर्ण शीर्ण अवस्था में और छतों से पानी टपक रहा है। जगह जगह से पट्टियाँ टूटी हुई है, कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 5 महीने से प्रशासन को बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, परंतु कुछ नहीं हो पाया। ग्रामीणों के विरोध के चलते स्थानीय विधायक खुशवीर सिंह मौके पर पहुंचे और उपखंड अधिकारी और शिक्षा विभाग से आला अधिकारियों के द्वारा इस विद्यालय का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि यह विद्यालय यकीनन हकीकत में बैठने के लायक नहीं है। फिर भी यहाँ बोर्ड की परीक्षाएँ कक्षाएँ वर्तमान में संचालित हैं। साथ ही विद्यालय स्टाफ भी समय पर ड्यूटी दे रहा है, गंभीर हादसे को निमंत्रण देता है। यह विद्यालय बहुत प्राचीन बताया जा रहा है। कमरे इतने छोटे हैं कि मात्र 8 से 10 बच्चे भी इस कमरे में नहीं बैठ सकते। प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, उपखंड मुख्यालय का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिल्कुल ही बैठने के लायक नहीं, तो फिर किस आधार पर प्रशासन और सरकार द्वारा इसको महात्मा गांधी में स्थानांतरित किया गया? सरकारें आई और गई लेकिन इस विद्यालय की तस्वीर नहीं बदली। राजस्थान में शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं के प्रति इतनी निदेही कैसे हो सकती है? जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में करीब 600 से ऊपर बच्चे छात्र छात्राएं हैं। यह तो गनीमत है कि इस समय में कोरोना काल को देखते हुए विद्यालय बंद है, परंतु कभी भी सरकार के आदेशानुसार विद्यालय खुल सकते हैं। साथ ही बोर्ड पूरक परीक्षाओं के केंद्र भी यही विद्यालय है जहां इस समय बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। हादसा होने का भय बना हुआ है, वही प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है।
आरसी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है वो भवन अति जीर्ण बताया जा रहा है और बरसात की ऋतु में तो और भी ये हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। सर आपने अभी हाल ही में निरीक्षण भी किया उनका, क्या कमियां देखी सर? इसमें पूर्ण रूप से कमियां ही कमियां है। किसी तरह बच्चों के वहाँ बैठने के योग्य वो भवन नहीं है और किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। मैं और हमारे पूर्व सरपंच लक्ष्मीनारायण जी तौर साहब हम दोनों गए थे वहाँ पे और देख के आए। SDM मैडम और BDO साहब सभी साथ में थे और उसकी रिपोर्ट मैंने तैयार करवाई है PWD विभाग से कि क्या ये भवन बच्चों के बैठने योग्य है। सबसे पहले तो वो जर्जर अवस्था में किसी वक्त गिर सकते हैं, दूसरी बात वो कमरे इतने छोटे हैं कि उसमें 6 या 8 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, तीसरी बात उस प्लिंथ है ही भी नहीं, तो पानी जो भरता है बारिश का वो पानी अंदर कमरों तक भर जाता है। तो उस हिसाब से मैंने रिपोर्ट बनवाई है ANPWD से और ये रिपोर्ट भिजवा के भारत सरकार से नए भवन की, पूर्व में भी मैंने वाड़िया में इसी तरह नया भवन स्वीकृत करवाया 61 लाख रुपए में, तो इसका भी रिपोर्ट बढ़वा के और इसका नया भवन का एस्टिमेट भिजवाऊँगा ताकि जल्दी स्वीकृत करवा लूँ। सर ये जो आपके विद्यालय की जीर्णशीर्ण अवस्था देखी जा रही है बड़ी दयनीय स्थिति है, यहाँ 13 कमरों में पानी टपक रहा है, ऐसे हालात बने हुए, आपने क्या उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया क्या? नहीं सर, जब से मैं आया हूँ लगातार इस विद्यालय के लिए प्रयत्न जारी हैं और 16 कमरे हैं, 16 में से 13 में से पानी टपकता है। उच्च अधिकारी आए हैं, ADPC सर भी आए हैं, MLA साहब से हमने कांटेक्ट किया और MLA साहब भी इस स्कूल में पधार के गए हैं। इसके अलावा PWD इंजीनियर मैडम आई है, उन्होंने ये सभी कमरों को देखा है और सारे जो अधिकारी और हमने जो राजनीतिक अधिकारी उनको भी अवगत कराया है। SDM मैडम से मिला हूँ, CBO साहब भी आए हैं और ये सब ने इस स्कूल को देखा है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे कीचड़ वगैरह है और ये सारी स्थितियाँ हैं। शौचालय की स्थिति जो बच्चियों के लिए छत विहीन है वो इन सी